स्तूप जो कि एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर का बेस्ट एग्जांपल है। लास्ट वीडियो में हमने जाना इनकी इम्पॉर्टेंस और इन्हें क्यों और कैसे बनाया गया। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्तूप के स्ट्रक्चर और इनके डिस्कवरीज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ स्तूप। स्तूप जो कि संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग है हीप। इस वर्ड का ओरिजिन एक सेमी सर्कुलर माउंट ऑफ अर्थ यानी मिट्टी के टीले से हुआ है जिसे बाद में अंड कहा गया। अंड के ऊपर एक चौकोर संरचना बनाई जाती है जिसे हर्मिका कहा जाता है जो कि एक बैल्कोनी जैसा स्ट्रक्चर है जो अबॉड ऑफ द गॉड यानी देवताओं के घर को रिप्रेजेंट करता है। हर्मिका से ही एक मस्तूल निकलता है जिसे यष्टि कहते हैं और जिस पर एक अम्ब्रेला लगी होती है। माउंट यानी टीले के चारों ओर एक रेलिंग हुआ करती है जिसे वेदिका कहा जाता है जो कि सेक्रेड स्पेस यानी पवित्र जगह को सामान्य दुनिया से अलग करता है जिसमें प्रवेश करने के लिए कुछ दरवाजे बनाए जाते हैं। इन दरवाजों को तोरण द्वार कहा जाता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इन स्तूपों में वर्शिपर्स ईस्टर्न गेटवे से एंटर करके माउंट यानी टीले को राइट रखते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में परिक्रमा करते हैं। अगर सांचे के स्तूप को देखें तो इसके तोरण द्वारों में बहुत सुंदर नक्काशी का प्रयोग किया गया है और इसीलिए सांचे के स्तूप को यूनेस्को ने 1989 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया था। वैसे तो सांचे में कई स्तूप हैं पर इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ग्रेट स्तूप जो कि सबसे प्राचीन माना जाता है। सांचे का स्तूप पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था पर ब्रिटिश रूल के दौरान आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की हेल्प से उसे फिर से सुधारा गया और आज ये टूरिज्म का मेन सेंटर है। अब आते हैं अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर, डिस्कवरिंग स्तूपास यानी स्तूपों की खोज कब की गई। 1796 में एक राजा जो मंदिर बनाना चाहते थे उन्हें अचानक अमरावती स्तूप के अवशेष मिले। ये स्तूप आज के आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। उन्होंने वहां से मिले स्टोन्स और रॉक्स को यूज करने का डिसाइड किया। उन्हें लगा शायद इस छोटी सी हिल पर और ज्यादा खजाना हो सकता है। कुछ सालों बाद ब्रिटिश ऑफिशियल कॉलिन मैकेंजी ने इस साइट को विजिट किया और उन्हें यहाँ कई तरह के स्कल्पचर्स मिले और उन्होंने स्कल्पचर्स की डिटेल ड्राइंग भी बनाई बट इनकी रिपोर्ट कभी प्रिंट नहीं हुई। उसके बाद 1854 में वॉल्टर एलियट ने जो कि गुट्टूर यानी आज के आंध्र प्रदेश के कमिश्नर थे उन्होंने अमरावती को विजिट किया और यहाँ से उन्होंने कई स्कल्पचर्स को कलेक्ट किया और उन्हें मद्रास ले गए। वॉल्टर एलियट ने अमरावती के तोरण द्वार यानी गेटवे को डिस्कवर किया और इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि अमरावती का स्तूप बौद्धों का सबसे लार्जेस्ट और मैग्निफिशेंट स्तूप है। 1850 में अमरावती के स्लैब्स डिफरेंट पार्ट में ले जाए गए। कुछ स्टोन्स को कलकत्ता की एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में भेजा गया तो कुछ को मद्रास के इंडियन ऑफिस में और कुछ स्टोन्स को लंदन तक पहुंचाया गया। इस एरिया का हर एक नया ऑफिशियल ये बोलकर मूर्तियां उठा ले गया कि पहले वाले ऑफिशियल्स ने भी ऐसा ही किया था पर आर्कियोलॉजिस्ट एच कोल का व्यू पॉइंट इन सब में काफ़ी अलग था। वो चाहते थे म्यूजियम में मूर्तियों की जगह प्लास्टर की कॉपीज़ को रखा जाए और रियल स्कल्पचर्स को डिस्कवर की गई जगह पर ही होना चाहिए। बट अमरावती में इस बात के लिए कोई तैयार नहीं था पर सांची के कंजर्वेशन के लिए सब तैयार थे। इसका रिजल्ट ये था कि अमरावती डिस्ट्रॉय हो गया जबकि सांची को कंजर्व कर लिया गया। 1818 में जब सांची को डिस्कवर किया तब उसके तीन गेटवे सही हालात में थे पर चौथा वहीं गिरा पड़ा था। तब भी कई सजेशंस आए कि इस गेटवे को लंदन या पेरिस में भेज दिया जाए पर सांची के साथ ऐसा नहीं किया गया जिससे वो आज भी बना हुआ है जबकि अमरावती सिर्फ एक छोटा सा टीला है और उसकी ग्लोरी काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय हो चुकी है। इन स्तूपों की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस यही है कि बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स यहाँ गौतम बुद्ध को स्थान देते हैं और दे भी क्यों ना क्योंकि इन स्तूपों में बुद्ध के रिलिक्स रखे गए हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।